स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था, ठीक है। और अब इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला जा रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles and the cost of each article. यानी कि हमें बोला जा रहा है कि a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. यानी कि कोई एक इंडस्ट्री है मिट्टी के बर्तन बनाने वाली, तो वो कुछ नंबर जो है कि आर्टिकल्स के वो दिन में बनाती है, ठीक है। तो एक तो हमें ये बोला ही गया कि find the number of articles, तो ये कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है ये हमें नहीं पता, तो इसको हम जो है एक्स लेट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो भी कॉस्ट है आर्टिकल की वो है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स बन रहे हैं उसके दुगने से प्लस 3 ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंड पार्ट में हमें पूछा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो ये हमें बता रहा है कि वो जो है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि डबल है जितने भी आर्टिकल्स बन रहे हैं, प्लस 3 मोर है, तो प्लस 3 मोर है उसमें। तो इसको सॉल्यूशन बना के करते हैं इसको। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द आर्टिकल्स लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ये हमने एक्स मान लिया कि ये जो एक्स नंबर जो है ये प्रोड्यूस कर रही है इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये हमें बताया गया है कि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल की हमने मान लिया है एक्स है, तो ट्वाइस का मतलब हो जाएगा 2x, और 3 ज़्यादा है तो 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस मोर देन 3, तो ये प्लस 3 कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है ये, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वाज रुपीज 90, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है वो 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी प्रोड्यूस कर रही है जो इंडस्ट्री वो मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। और ये हमें दिया ही गया है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस रुपीज 90, ये हमें गिवन है,
लिखा हुआ है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डैट डे वाज रुपीज़ 90, यानी कि अगर टोटल कॉस्ट जो है वो रुपीज़ 90 है तो ये किसके बराबर हुई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे वैल्यू, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे कितने हैं, ये एक्स हैं। देयरफोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स इंटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमारी ये आई 2x+3, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2x+3 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे हमें बताई गई है 90, ये 90 रुपये हो गई, ठीक है। तो ये हमारी अभी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व कर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देन एक्स 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 90। अब ये 90 को हम इस साइड लाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 2x² प्लस 3x ये 90 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -90 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसके हम बनाएंगे, रूट्स निकालेंगे इसके, ठीक है। तो ये मिडल टर्म है, इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका टोटल तो 3 आएगा, और अगर उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 इंटू 2 यानी कि 180, तो ये 180 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बना के देख लेते हैं हम, तो ये मान लो ये 180 है, इसको हम LCM ले इसका, तो LCM आ जाएगा 2 9 18 0, और 2 4 8 2 5 10 3 1 3 और 3 5 15 और 3 5 15, ठीक है। तो हमारे पास ये आए, अब हमें इसमें से फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर हम क्या ऐसे बनाएंगे जिनका टोटल तो हमारे पास 3 आए और मल्टीप्लाई अगर हम उनको करें तो 180 आए, ठीक है। तो इसमें हम बना के देखते हैं, 2 2 4 3 12, एक तो ये हम ले लेते हैं, ठीक है, इतना 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 3 2 6 6 2 12 और 5 3 15 3 × 5 इज इक्वल टू 15। तो अगर हम देखें 15 में से 12 गए तो ये हमारे पास आ गया 3, ठीक है। और अगर 12 और 15 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे आ जाएगा 180, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन के आ गए। तो ये हम दो फैक्टर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x², अब 15 हमें प्लस का 3x चाहिए, तो प्लस के 15 में से माइनस करेंगे 12 को तो हमारा 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 15x माइनस 12x और ये माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे फैक्टर बन गए, ठीक है, 15 में से 12 गए, ये 3 आ गया, ठीक है। और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, तो 90 × 2 इज इक्वल टू 180। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हमारा हमने कर लिया। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमारा ये दो टर्म एक साथ लेंगे और ये दो टर्म एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन आएगा एक्स, तो एक्स आया तो यहाँ बचा 2x प्लस यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ माइनस ले लेंगे कॉमन और 12, तो एक्स, अब यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अंदर, प्लस यहाँ आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। तो 12 या नहीं सॉरी यहाँ पे हम 6 लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लिया तो ये हमारा हो जाएगा 2x और इसको करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा।
अच्छा, अब ये 2x+15 और 2x+15 सेम है, तो इसको हम एक साथ ले लेते हैं, 2x+15 और x-6 इज इक्वल टू 0। अब 2x+15 को हम 0 से इक्वेट करेंगे और x-6 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो इससे हम अपने दो निकाल लेंगे रूट्स इसके। तो 2x+15 इज इक्वल टू 0 और x-6 इज इक्वल टू 0। इसको आगे हम फर्दर x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 15 उस साइड जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 15, ठीक है, और x इज इक्वल टू -15 और ये 2 इधर आ जाएगा ये नीचे, तो ये एक रूट ही निकल आया हमारा, ठीक है। अब दूसरा रूट निकालते हैं हम, तो x इज इक्वल टू ये 6 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास दो रूट निकल के आ गए। एक रूट हमारे पास निकल के आ गया x का -15/2 और दूसरा हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 6, यानी कि x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब ये जो माइनस है, ये माइनस एक्स हमने किया, एक्स जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने लेट कर रखा है, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास निकल के आया। अब आर्टिकल्स जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकते, ठीक है ना, कोई भी जो आर्टिकल बन रहे हैं वो माइनस में नहीं हो सकते, तो ये जो माइनस वाला है इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में हो ही नहीं सकता आर्टिकल। तो एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि जो आर्टिकल का नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो हम लिखेंगे देयर फोर, इसको हम लिख देंगे एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एक्स इज इक्वल टू -15/2 -15/2 इज रिजेक्टेड। देयर फोर देयर फोर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स देयर फोर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो 6 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें सेकंड पार्ट में हमें पूछा जा रहा है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट जो है हमने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हमने ली हुई है 2x+3, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x+3। अब इसमें हम x की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × x, हमारे पास 6 आया है तो ये 6 कर देंगे, +3 इज इक्वल टू 6×12+3, ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमारे पास आ गई ये 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास आ गए 6, ठीक है। अगर हम इसे क्रॉस चेक करें तो 15 6 90, तो यही हमें बताया गया है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आएगा, तो ये हमें बताया गया कि 90 है, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। इसको एक क्रॉस चेक करने का ये तरीका हो गया, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो ये हमारे पास ये आर्टिकल का नंबर आ गया, और इसको टोटल कॉस्ट से हम इस आर्टिकल को जो है उससे कर देंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल टोटल हमारे पास वो आ जाएगा इसका प्रोडक्शन का कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये इसको करने का तरीका था इस क्वेश्चन को, तो बहुत सिंपल वे में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है आपको, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब फिर भी अगर आपको हो सकता है कोई
स्टेप मेरा ना समझ में आया हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी चीज़ को समझने में, ठीक है ना, तो आप मेरे साथ जो है मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएंगे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो है कंप्लीट होती है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।